तो हम शुरू करने जा रहे हैं ये ज्ञानदार जानदार और शानदार अपना शो कौन बनेगा सैकड़ापति। और इसमें हमारी पहली कैंडिडेट है अनुराधा। क्या नाम है आपका? पूरा नाम अनुराधा भारती। उनको मौका दिया जाएगा और फिर बैठिएगा। कौन बनेगा सैकड़ापति अनुराधा भारती जी के साथ? पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। आपके ब्लॉग का क्या नाम है? आपके ब्लॉग का क्या नाम है? नीचे मैं पढ़ूंगा, नीचे रखिए। आपके ब्लॉग का क्या नाम है? निचलौल, ए निचलौल, बी फरेंदा, सी नौतनवा, डी सिसवा। ए निचलौल। ए निचलौल लॉक कर दें? यस। कंप्यूटर महोदय, ए को ताला लगाया जाए। सही जवाब, तालियां। अनुराधा भारती 5 रुपए जीत चुकी हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। भारत का राष्ट्रीय फल है? ए आम, बी अंगूर, सी इमली, डी संतरा। ए आम। ए आम कंफर्म है आप? कहीं पढ़ी है इसको? पढ़ा है आपने? वेरी गुड। तो कंप्यूटर महोदय, अनुराधा भारती जी ने आम यानी ए को लॉक करने के लिए कहा है। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सही जवाब। क्या बात है, क्या बात। अनुराधा भारती कितना बेहतर तरीके से खेल रही है, देखिए। तो आप 10 रुपए पहला पड़ाओ, 10 रुपए, 10 रुपए आप लेके आप जाएंगी ही जाएंगी। तीसरा सवाल 15 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी दिसपुर। आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप पूछ भी सकती हैं। आपको नहीं आएगा अगर तो पूछना है, ऑडियंस पुलिस से पूछना है। एक मिनट, ये अनुराधा भारती अपनी पहली लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं और उसको चुना है इन्होंने ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल में कोई इनकी मदद करना चाहेगा? भारत का पेरिस, बताइए। तो एक बच्ची ने आपकी मदद उसमें की है, एक बच्ची ने मदद आपने की है। क्या उसके साथ आप जाना चाहेंगे? पक्का? कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सही जवाब। आप थैंक यू बोलिए। एक लड़की ऑडियंस में बैठी है, सुकन्या, उसने आपकी मदद की, थैंक यू बोलिए। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल 20 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। ध्यान रहे, आपकी एक लाइफलाइन खत्म हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर पेट्रोल? शामिल नहीं है, नहीं है। जिसको पुनः नहीं पाया जा सकता, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन शामिल नहीं है? एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। बोलिए बोलिए, अभी भी आपके पास लाइफलाइन है, दो लाइफलाइन, 50-50 या फिर फोन अ फ्रेंड। क्या करना चाहेंगे आप? किसको फोन करेंगे? हम फोन कर दें? रुकिए भाई, फोन करने दीजिए। ये हमारे हैं फिर भाई मुकुल दुबे जी, हमारे मित्र।
हेलो। हाँ सर, एक समस्या और आ गई फिर। हेलो। तो हॉट सीट पे मेरे सामने बैठी हुई है अनुराधा भारती, इनको आपकी मदद की आवश्यकता है। तो ये सवाल हमारा है, नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर पेट्रोल। पेट्रोल होना चाहिए। कंफर्म है आप? हाँ सर, कंफर्म है। वेरी गुड, तो आप इनके साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। सही जवाब। आप लोग यहाँ निचोल में मदद कर रहे हैं। थैंक यू, बोलिए इनको। थैंक यू सर, फिर आपको जरूरत पड़ेगी फिर आपको याद किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो आप जीत गई हैं 20 रुपए। आप जीत गई हैं 20 रुपए। नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा, ठीक है, आपने मिस कर दिया। इतनी आसान आसान सवाल पे लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दो सवालों पे लगातार दो लाइफ लाइन आपने इस्तेमाल कर लिया, अब आपकी केवल एक लाइफ लाइन बची है। ध्यान दे खेलिएगा। अगला सवाल, पांचवा, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? अभी हाल ही में 2020 में नेपाल और चाइना ने नया डाटा जारी कर दिया, 8848 मीटर, 8048.44, 8048.86 या फिर 8855। अभी कुछ पॉइंट बढ़ा है, ए बी सी डी। बोलिए बोलिए, अभी अभी भी एक लाइफ लाइन है 50-50, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप। धीरज के साथ, धैर्य के साथ, दो लाइफलाइन आपकी खत्म हो चुकी है, एक लाइफलाइन आपकी 50-50 की बची हुई है। सी 8846। लाइफलाइन नहीं लेंगी आप? कंफर्म है? चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, मुझे तो लगा, मुझे एक समय के लिए ऐसा लग गया कि आप तो तीसरी लाइफ लाइन भी लेने वाली हैं, लेकिन आपने सूझबूझ का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए आपने अपनी एक लाइफ लाइन अभी बचा के रखी है। वेरी गुड। तो आप 30 रुपए तक क्या हो गए, आप जीत चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रहे गलत जवाब आपको 20 रुपए लेके आएगा, ठीक है, इसलिए अगर नहीं खेलना होगा, नहीं हुआ आएगा तो वही छोड़ दीजिएगा, कम से कम उतना रुपया तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला www का पूरा नाम है, इंटरनेट में उपयोग होने वाला www, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वेस्ट वर्ल्ड वाइड। www का फुल फॉर्म, वेब वर्ल्ड वाइड और वेस्ट वर्ल्ड वाइड। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बची हुई है 50-50 का, इसमें से क्या करेंगे हम, दो गलत जवाबों क्या करेंगे हम, निकाल देंगे। क्या करेंगे? निकाल देंगे। दो जो जवाब होंगे वो बच जाएंगे, उनमें से एक आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इस्तेमाल करना चाहती हैं आप लाइफ लाइन का? ठीक है कंप्यूटर महोदय, अनुराधा भारती जी अपने तीसरे और आखिरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं 50-50। तो दो गलत जवाब आपके हटा दिए गए, ए और डी हटा दिया गया, बी और सी में आपका कोई जवाब है, बी और सी में से, वेब वर्ल्ड वाइड कि वर्ल्ड वाइड वेब, बी और सी में से कोई एक है, आएगा तभी खेलिएगा। 30 रुपये आप जीत रही हैं, गलत आपको 20 रुपये लेके आएगा। अभी आप 30 रुपये जीत रही हैं, गलत जवाब आपको 20 रुपये पहुंचा देगा। बी और सी में कोई एक है, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड, तो तेज बोलिएगा। हाँ
तो बी या सी, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी आखिरी लाइफलाइन है। इन गलत जवाब आपको 20 रुपए लेके आएगा, अगर आप छोड़ देंगे यहीं पे 30 रुपए पाएंगे आप। बताइए बी या सी। बी ऑप्शन लॉक कर दें। चलिए अनुराधा भारती जी का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सही जवाब, तालियां, क्या बात है, आप 40 रुपए जीत गई। अगले सवाल के लिए जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ए बी सी डी। पृथ्वी पर, भारत में नहीं, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। प्रदेश बोलिए, इस माइक में आ जाए। नील नदी लॉक कर दें इसको, पक्का कंफर्म है। कंप्यूटर महोदय अनुराधा भारती जी का कहना है कि विश्व की या पृथ्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय लॉक करिए। सही जवाब। क्या बात है, कितने सूझबूझ के साथ आप खेल रही हैं, कितने धैर्य के साथ आप खेल रही हैं। चलिए अगला सवाल। तुर्के चहलगानी को कोई लाइफ लाइन नहीं, आपको सारी लाइफ लाइन आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, गलत बताएंगी तो 20 रुपए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से खेलिएगा। तुर्के चहलगानी को समाप्त किसने, शुरू नहीं, समाप्त किसने किया था? तुर्के चहलगानी को, वो 40 जो सरदार होते थे, उन 40 सरदारों को खत्म किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या फिर रजिया? अगर नहीं आएगा तो गेम क्विट कर जाइएगा, क्योंकि अभी आप पाएंगे। आइए 60 रुपए का खेल है, अगर आप छोड़ देंगे तो पाएंगे 50 रुपए, अगर आपने गलत बताया तो चले आएंगे 20 रुपए पर। अब कोई लाइफ लाइन आपके पास नहीं है, सोच समझ के खेलिएगा। तुर्के चहलगानी जो 40 सरदार हुआ करते थे, उसको समाप्त किसने किया था? शुरू नहीं, समाप्त किसने किया था? कौन बनेगा सैकड़ापति का ये 8वां सवाल 60 रुपए के लिए। अगर ये गलत बताएंगे चले जाएंगे 20 रुपए पे, कहां जाएंगे 20 रुपए, लेकिन अगर ये सही बता देती हैं तब तो आगे खेलेंगी, आगे गेम छोड़ देंगी कम से कम 50 रुपए लेके जाएंगी। नहीं मालूम है, लाइफलाइन भी कोई नहीं है, क्या आप खेल छोड़ना चाहती हैं? देखिए कितनी सूझबूझ के साथ अनुराधा भारती ने क्या किया, इस खेल को क्विट करने का फैसला किया है। तो क्या कंप्यूटर महोदय से बोल दें क्विट कर दिया जाए? कंप्यूटर महोदय अनुराधा भारती जी क्विट करना चाहती है। ओके चलिए कम से कम आप 50 रुपए यहां से आप लेके जाएंगे। चलिए मान लीजिए अगर किसी को आपको टिक मारना होता, किसी को अगर चुनना होता तो किसको चुनती? तुर्के चहलगानी को समाप्त किया था इल्तुतमिश ने, बलबन ने, ऐबक ने, रजिया ने? इल्तुतमिश। चलिए इल्तुतमिश को लॉक किया जाए। ओ गलत जवाब, बताइए, अच्छा कि आपने खेलना छोड़ दिया, बहुत सही निर्णय, अगर आप खेलती तो ये गलत होता और आपको मिलता सिर्फ 20 रुपए। क्या मिलता? 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए। तो ये अनुराधा जी का बहुत ही सही निर्णय, एक चेक के साथ
एक चेक के साथ इनको 50 रुपए दिया जाए। 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 तो ये 50 रुपए तालियां बजाइए। देखिए दादाजी आपके लिए 50 रुपए जिसके साथ खड़े होइए, पकड़िए 50 रुपए। क्या करेंगे इन 50 रुपए का आप? 50 रुपए ज्यादा रकम है, क्या करेंगी आप? 10 रुपए का चॉकलेट खाएंगे, 10 रुपए का कॉपी किताब खरीदेंगे, ऐसा कुछ है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये इनका पैसा है, ये इनका निर्णय है कि ये इस 50 रुपए का करेंगी क्या। चलिए तालियों के साथ स्वागत होनी चाहिए। अगले प्रतिभागी को बुलाएंगे और शुरू करेंगे कौन बढ़ेगा सैकड़ापति का दूसरा दौर। चलिए थैंक यू।